is Chinmayee and you are watching Chinmayee's Fizzcast. Today we will discuss about another topic of electromagnetic induction, that is self-induction. Okay, in the previous topics, in the previous videos of EMI, we have already discussed about Faraday's law, Lenz's law, magnetic flux, induced EMF, induced current, induced electric field and the motional EMF. Today we will discuss on self-induction. In basically, when we are considering induced current, we are taking a closed loop. Suppose a current carrying coil. Okay. So suppose here I have a coil and I am passing some current through it. So agar is coil mein current pass karega, to fir kya hoga? Due to this current carrying coil, there will be a magnetic field. So iska magnetic field kaise dikhega? Suppose anti-clockwise current flow kar raha hai. तो फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसे दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट चेंजेस, सो आई कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ दिस कॉइल चेंजेस, और आई कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ द कॉइल इटसेल्फ चेंजेस. Magnetic field changes means magnetic flux lines changes. So if magnetic flux changes, then comes the concept of Faraday's law. Faraday's law हमें ये बताता है कि अगर magnetic flux change होगा, तो इस coil में कुछ EMF induce होगा. और उस EMF का magnitude कैसा होता है? EMF का magnitude होता है d phi divided by dt. और जो induced EMF आएगा उसके वजह से सर्किट में अभी करंट आएगा, और उस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा कि वो ओरिजिनल कॉज को अपोज करेगा. देखिए, हम लोगों ने पहले से एक करंट दिया हुआ है, सपोज वो करंट है I. अभी सर्किट में क्या हुआ, इस I करंट चेंज होने के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से EMF इंड्यूस हुआ, और EMF induce होने के वजह से सर्किट, अगर ये closed loop है तो इसमें एक induced current आ रहा है, और उस induced current, suppose मैं उसे लिख रही हूँ I dash, वो induced current अभी ये वाला current का opposite direction में flow करेगा. अगर ये anti-clockwise जा रहा है तो वो जो induced current आएगा वो clockwise आएगा उसका direction. ठीक है, तो उस करंट की वजह से क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉज है अभी वो अपोज होगा. ओरिजिनल कॉज यहाँ पे क्या था, चेंज इन करंट. चेंज इन करंट की वजह से क्या आ रहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो वहां पे लेंज लॉ फिर से आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. एवरी चेंज हैपनिंग हियर इज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ. सो आई कैन सी एन ईएमएफ इज गेटिंग इंड्यूस्ड इन द कॉइल बिकॉज ऑफ the change in magnetic flux associated with itself, and that induced EMF is known as self-induced EMF. That EMF is known as self-induced EMF, and this process, this phenomenon is known as self-induction. Clear? So I can say the appearance of induced EMF in a current carrying coil associated with the change in its own magnetic field is known as self-induction. This process is known as self-induction. पता चल गया आप सबको, ये क्लियर हो गया? एक कॉइल में उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उसे हम लोग बताते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और उसी कॉइल में ईएमएफ आ रहा है, उसी कॉइल में ओरिजिनल करंट को अपोज करके इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. क्लियर? अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये फाई, फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए होता है. तो नॉर्मली हम लोग जब ये सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस का कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम लोग एक ऐसा कॉइल लेते हैं. ठीक है, ऐसा कॉइल हम लोग क्यों लेते हैं, एक वायर को ऐसे माउंट करके क्यों लेते हैं,
इसका मतलब ये है अगर हम लोग कोई पतला सा वायर या फिर कोई स्ट्रेट वायर लेंगे तो यहाँ पे द एरिया लिंक्ड विथ दिस पर्टिकुलर वायर दिस मच ओनली एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज नेग्लिजिबल. तो अगर एरिया नेग्लिजिबल हो जाएगा तो फ्लक्स लिंक जो आएगा वो भी नेग्लिजिबल होगा. अगर फ्लक्स लिंक नेग्लिजिबल हो गया तो हमें ये जो डिजायर्ड अमाउंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट सर्किट में नहीं मिल सकता. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को ऐसा कुछ फॉर्म में लेते हैं, इसे हम आगे चलकर इंडक्टर बताएंगे. ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन करूँगी, ये सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है और ये फ्लक्स लिंक का क्या इसके साथ नाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सपोज मेरे पास ये कॉइल है और मैं इस सर्किट को अभी क्लोज कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है. ठीक है, ये है स्विच और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाया हुआ है. ठीक है, जब मैं स्विच क्लोज करूंगी, यहाँ पे मैंने स्विच अभी क्लोज कर दिया, अगर स्विच क्लोज करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा सर्किट में. अभी सर्किट क्लोज हो गया तो यहाँ पे अभी करंट फ्लो करेगा. अगर इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सिर्फ उसके कोर में आता है, ऐसे होता है कुछ, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करंट चेंज किया, उसके वजह से सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. और अगर मैं कोई सोलेनॉइड ले लूँ तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू जीरो एन आई, इतना होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर अ सोलेनॉइड और फॉर दिस टाइप ऑफ कॉइल. ओके, सो यहाँ पे जो एन है, स्मॉल एन दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसे हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब ये होता है कि अगर ये पूरा सोलेनॉइड जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसका टोटल का लेंथ है एल और इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर हम लोग यूनिट लेंथ में देखेंगे तो कितना टर्न्स हमें मिलेगा, तो वो हो गया स्मॉल एन. तो बी इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं म्यू जीरो एन आई. अभी इस पे जो एरिया लिंक्ड है वो कैसा है, ये एक कॉइल हम लोग ऐसे ले रहे हैं तो ये वाला साइड जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसके साथ जो फ्लक्स होता है वो लिंक होता है, फ्लक्स जिसके साथ लिंक होता है वही एरिया हमें लेना है ना. तो ये वाला एरिया, इस साइड का एरिया या फिर ये साइड का एरिया, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें लेना होता है. तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ यूनिट टर्न और यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ईच टर्न, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न अगर मैं लूंगी यहाँ पे तो phi equals to कितना आएगा, b multiplied with a और that is equals to mu zero n i multiplied with a, इतना आएगा. अभी देखिए अगर मैं पूरा सोलेनॉइड के लिए लूंगी फॉर n टर्न्स, टोटल सोलेनॉइड के लिए लूंगी तो then phi will be equals to, मैं थोड़ा नोटेशन चेंज करके लिख रही हूँ, phi will be equals to capital n multiplied with mu zero n i multiplied with a, this much आएगा, और that is equals to capital N multiplied with mu zero, small n की जगह पे मैं लिखूंगी n by l i multiplied with a, और that is equals to mu zero n square divided by l multiplied with a whole into i. यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, मैं इसे फिर से लिख रही हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन म्यू जीरो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाइड विथ ए मल्टीप्लाइड विथ आई. देखिए म्यू जीरो जो है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, परमिएबिलिटी और वैक्यूम ये ले रहे हैं हम. एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, वो तो यहाँ पे फिक्स है. एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, वो भी फिक्स है. ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, वो भी फिक्स है. इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये एक कांस्टेंट है. तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये लिख सकती हूँ ना. देखिए तो ये वाला एक्सप्रेशन ना बुक्स में डायरेक्टली दिया गया होता है,
वहां पे ये पता नहीं चलता कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया कैसे, जैसे कि मैंने उसका लॉजिक आपको यहाँ पे बता दिया। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म है ना, इसे हम लोग बताते हैं एल, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसे हम लोग बताते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सो एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इनटू ए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इसके जगह पे एल पुट कर लिया ना, तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, दिस इज माई फॉर्मूला। तो यहाँ पे फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सॉलिनॉइड, एंड एल, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड आई, आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब है इफ आई इंक्रीजेस फाई इंक्रीजेस, इफ आई डिक्रीजेस फाई ऑल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि आपको अगर पूछा जाएगा कि ऑन व्हिच फैक्टर्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड डिपेंड्स, सी ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, द अपीयरेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए पर्टिकुलर कॉइल, करेंट कैरिंग कॉइल एसोसिएटेड विद इट्स चेंज और इन इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम लोग बताते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है कि एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या फिर इंड्यूस्ड करेंट आएगा, उसे हम लोग इस प्रोसेस को बताते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन उस वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड एल इज डिफाइंड एज फाई डिवाइडेड बाय आई, और एल की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो ये होती है म्यू जीरो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इनटू आई। यहाँ पे एल डिपेंड कर रहा है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, इसका मतलब अगर हम लोग इस कॉइल के बीच अभी एयर है, अगर ये वाला जो टर्न्स है इसके अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दूं, यहाँ पे कुछ अलग सा मटेरियल डाल दूं, तो उसके वजह से वहाँ पे परमिएबिलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे एक म्यू आर फैक्टर आ जाएगा। अगर मैं वहाँ पे कोई अलग सा मटेरियल डाल दूं उस कॉइल के अंदर, तो यहाँ पे म्यू आर आ जाएगा, दैट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी अभी, लेकिन फिलहाल मैं बता सकती हूँ कि L depends upon the permeability of the core material, number of turns in the coil, length of the total coil and area of cross-section of the coil। इसका मतलब self inductance depends upon the geometrical factors, self inductance depends upon the geometrical factors, clear? So now we have phi is equals to Li, और इसमें से मैं ये बता सकती हूँ L is equals to phi divided by I, ये हो गया एक definition। मैं और कैसे बता सकती हूँ, देखिए L equals को phi divided by I, if I is equals to one unit then L is equals to phi, so I can say self inductance of a coil is mathematically equals to the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it, ऐसे बता सकती हूँ मैं। और एक दूसरा वाला definition मैं आपको बताती हूँ, इस expression से phi equals to Li है ना हमारे पास, अभी मैं क्या करूँगी इसका time derivative लूँगी, तो d phi by dt is equals to, ये तो constant होता है for a particular coil, L is equal to LDI by DT, this much आएगा। तो यहाँ से मैं बता सकती हूँ L is equals to d phi by dt divided by DI by DT, ये जो d phi by dt है ये क्या होता है, that is the magnitude of the induced EMF, so E divided by DI by DT, so when change in current is equals to unity, one unit, and time is also one unit, then we can say that the induced EMF or L is equals to, then we can say that L is equals to the magnitude of the induced EMF. Or self inductance can also be defined as
the magnitude of the induced EMF in the coil when the rate of change of current in the coil is unity. D by dt of I, the rate of change of current. When rate of change of current is unity, then self-inductance of a coil is equals to the magnitude of the EMF induced in the coil. तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन. इससे हमने तीन फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिए, एल इक्वल्स टू दिस मच म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई ए, जिससे हमें पता चलता है कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ एल विद फ्लक्स एंड करेंट. एल इक्वल्स टू फाइव बाई आई एंड हियर एल इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी. सो दीज आर द थ्री बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर सेल्फ inductance and the whole process is known as self-induction. Now we will discuss about the unit of self-inductance or E divided by D by dt. तो यहाँ पे भी मैं बता सकती हूँ 1 volt divided by 1 ampere per second. इसे भी मैं बताऊंगी 1 henry. तो self-inductance का यूनिट होता है हेनरी. और आपको अगर पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 हेनरी, सो यू कैन से दैट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 volt ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. दिस वन इज द, सो दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ 1 हेनरी. यहाँ पे हमने जान लिया सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है. फाइ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कहाँ से आया, उसमें से हमने एल की दो फॉर्मूले निकाले. और पहले हमने एल कैसे ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो निकाल लिया, और हमने हेनरी का डेफिनेशन भी यहाँ से निकाल लिया. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस. Next, we will discuss about mutual induction, but in the next video. So those who are new to my channel, then please subscribe for getting the notifications of all the new videos and also press the bell icon there. So, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में. Till then, stay safe, stay happy. God bless all. Thank you.